खबर है पूर्वी चंपारण से, जहां जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के नेताओं द्वारा ढाका विधानसभा की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है। जाप के प्रदेश सचिव सह ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था लकवा ग्रसित हो गई है, जिसका परिणाम है कि आज ढाका विधानसभा अंतर्गत घोड़ासान प्रखंड के विभिन्न प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र कहीं 10 वर्ष तो कहीं 15 वर्ष से बंद पड़े हैं। श्री सिंह ने कहा कि 25 मई को जाप नेताओं द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोली गई थी, जिससे अपनी नाकामी को छुपाने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 29 मई को सभी बंद पड़े स्वास्थ्य केंद्रों को खोलने का आदेश दिया है। लेकिन आदेश आने के 4 दिन बाद भी सभी स्वास्थ्य केंद्रों को चालू नहीं किया गया है, वो पहले की तरह बंद पड़े हैं। जाप नेता श्री सिंह ने सिविल सर्जन के आदेश पर सवाल करते हुए कहा कि बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग इस महामारी में जनता को यथास्थिति मरने के लिए छोड़ दी है। अपनी बदनामी को छुपाने के लिए पत्र तो जारी कर दिए, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल नहीं हो पाया है। जाप के प्रदेश सचिव सह पूर्व प्रत्याशी अभिजीत सिंह ने कहा कि ढाका विधानसभा की जनता ने हमें सड़क पर उनकी आवाज़ को मजबूती से उठाने के लिए चुना है। हमारा जन अधिकार पार्टी का जो कारवा है वो आज अभी सवनपुर घोड़ासान प्रखंड के अंतर्गत हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, और जो परिस्थितियाँ हम लोगों ने अभी तक देखी है पूरे ढाका विधानसभा के अंतर्गत, वही परिस्थिति यहाँ भी ताला लटका हुआ है। इस ताले की चाबी ना जाने कहाँ है। यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। ये जो जिला स्वास्थ्य समिति के द्वारा जो चिट्ठी सिविल सर्जन के द्वारा 29 तारीख को निर्गत किया गया था, जन अधिकार पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 25 तारीख को हुआ था उसके आलोक में देखेंगे तो क्रमांक संख्या 33 पर यहाँ का नाम है सवनपुर पंचायत का, इस बिल्डिंग का, इस स्वास्थ्य सेंटर का। और यहाँ के स्थानीय लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, जिनका कहना है कि अभी तक, आज तक, आज जो समय 2 बज रहा है, 2 तारीख को 2 बजे दिन तक कोई डॉक्टर, किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्यकर्मी यहाँ नहीं आया है। तो क्या ये मान लिया जाए कि एक स्वास्थ्य के सबसे बड़े जिला के अधिकारी जो सिविल सर्जन होते हैं, उनके द्वारा भी जब चिट्ठी में माना गया कि हाँ 34 के 34 सेंटर बंद पड़े हैं और इसकी शुरुआत करने का ऑर्डर उन्होंने निकाला, तो क्या इस ऑर्डर का भी अब कोई वैल्यू नहीं है? इस चिट्ठी में एक और बहुत बड़ा घोटाला, या यूं कहें कि चोरी की गई है। चोरी ये की गई है कि 25 तारीख को जन अधिकार पार्टी के ढाका विधानसभा के अंतर्गत हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें कि हमारे जन अधिकार पार्टी के छात्र नेता एवं अन्य नेता के द्वारा वीडियो बना के हर सेंटर का वीडियो बना के जारी किया गया था। आनन फानन में वर्तमान विधायक ने चोरी छिपे सिविल सर्जन से अपना नाम चिट्ठी में तो डलवा लिया, लेकिन प्रतिलिपि लेना भूल गए। अब मैं सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं सिविल सर्जन साहब से, यहां के जिला प्रशासन से और बिहार के मुख्यमंत्री से, कि अगर सवनपुर में, या यूं कहें कि ढाका विधानसभा में जहां जहां भी सेंटर बने हैं, जो शुरू नहीं हुए हैं, चालू नहीं हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति कोरोना से मरता है, इलाज की कमियों से मरता है, दवाई की कमियों से मरता है, ऑक्सीजन की कमियों से मरता है, तो क्या 302 का मुकदमा यहाँ के जनप्रतिनिधि के नाम पर होना चाहिए, यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के ऊपर होना चाहिए, आदरणीय मुख्यमंत्री के नाम पर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?